हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हम लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो तो आप उस वैकेंसी पे किनको लाना चाह रहे हो? कोई छुट्टी नहीं ली हमने, कोई कुछ नहीं लिया हमने, दो साल सारी वेब में हमने रोडों पे खड़े होकर जनता की सेवा करी। जिस टाइम लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे उस टाइम हम रोड पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे थे। आज गवर्नमेंट हमारे से कह रही है कि 31 के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आप अपने घर बैठो। स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 3 दिन पहले ही मैसेज किया है, ऑर्डर डाला है कि अभी ऐसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। कोई रीज़न नहीं दिया हमारे पास इन्होंने, कोई कट सी नहीं दी, बस डायरेक्टली एक मेल डाल दिया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। तो केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी थी कि अब वो जाके, मतलब जिसने 90 डेज काम किया उसको परमानेंट करेंगे। अरे यार आप परमानेंट नहीं करो, एटलीस्ट हमें जॉब तो दो। नर्सिंग स्टाफ, CDOs, डॉक्टर सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक पर्सन ऐसा नहीं था जिसने कोई एफर्ट्स नहीं डाले। एफर्ट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं सर, एफर्ट्स तो छोड़ दिए इन लोगों ने, सिर्फ डायरेक्ट एक फॉर्म और एक मैसेज डाल दिया कि अब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने आउटसोर्सिंग क्या खत्म करी? उन्होंने तो सबकी जॉब ही हटा दी, ये आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी ने हमें पहले बोला था कि 90 डेज जो भी बंदा ड्यूटी करेगा उसको हम लोग परमानेंट या फिर हम उन्हें एक अच्छा सम्मानित किया जाएगा। हमें किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे घर चलते रहें, हमें हमारी जॉब दे दीजिए। मोदी जी और केजरीवाल जी से मैं हमारी यही अपील है। सर स्ट्राइक कंटिन्यू होगी, प्लान क्या आगे? हम तो बेरोजगार हो गए, कहाँ बैठेंगे? घर बैठने से अच्छा यहाँ पे बैठेंगे, सड़कों पे बैठेंगे। कहते हम फ्री बसों में फ्री महिलाओं को सुविधाएं दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या उनके पास ये 10-5 हज़ार लोगों के लिए जॉब देने के लिए सैलरी नहीं है? उनके पास पैसा नहीं है क्या? उनके पास फंड नहीं है कि वो इन लोगों को सैलरी दे सके? अगर रोजगार देंगे तो हमें पानी की बिजली की आवश्यकता है ही नहीं, फ्री में नहीं चाहिए हमें, क्यों चाहिए? हम अपने आप कमा सकते हैं, हमें मेहनत का पैसा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें आप जॉब दीजिए, पैसा हम अपने आप कमा लेंगे, हम आपको बिजली का बिल आपके मुंह पे मारेंगे। हमने इतना काम किया है ना कोविड में, ड्यूटी की, हमने टेस्टिंग खुद का रिस्क लिया, धूपों में ऐसे खड़े होके पीपी किट कोई नहीं पहनता, ऐसे हम लोगों ने पहन के टेस्ट किया है और उन्होंने बिना 1 दिन के 2 दिन पहले नोटिस दे दिया आप घर बैठो। निकालने जाने से पहले एक बार गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, जो हमें अभी इस महामारी में इसने साथ दिया है उसको वहीं हम डिसॉल्व करें, हमें कोई नौकरी दी जाए, उनको फ्रंट लाइन में रखा जाए, जो हमारा 9 महीने एक्सपीरियंस हमने लिया अपनी नौकरी से उसको उसका एक्सपीरियंस फायदा उठाया जाए गवर्नमेंट। एंट्री ऑपरेटर जो बेरोजगार हो जाएंगे, CDVs होते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो भीड़ को मैनेज करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, इतनी सारी नर्सेज है वो बेरोजगार हो जाएंगे, इतने सारे डॉक्टर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बेटर तो यही है कि कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे नीड नहीं है, हर जगह नर्सिंग स्टाफ की नीड है, हर जगह शॉर्टेज है मेडिकल स्टाफ की। इतनी मेहनत, सुबह से सुबह 8:30 बजे से बैठ के 7:30 बजे तक रात को बैठ के वैक्सीनेट करा, बिना खाना खाए सुबह से शाम तक बैठे हम नालों पे बैठ के, नाल शमशान घाट के बगल में साइड बनती थी, कैन यू इमेजिन, वहाँ पे भी बैठे हम वैक्सीन लगाने के लिए, लोगों के घर भी गए, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल के आ सकते वैक्सीन के लिए उनके घर घर जाके हमने वैक्सीन। वॉशरूम के लिए मना कर दिया, कल जब इनकी वीडियोस बनाई इनको बोला तब इन्होंने हमें अंदर जाने दिया, वो भी वॉशरूम के लिए। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त हूँ दिल्ली सचिवालय के सामने। यहाँ पर जो कोरोना काल के समय जो मतलब युवाओं ने अपना सहयोग दिया, जिस तरह से सामने निकल करके आए और अपनी सेवाएं दी, उन्हें अचानक एकाएक दिल्ली सरकार द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इसी के विरोध में ये दिल्ली सचिवालय के सामने ये तमाम युवा अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। तो मेरे साथ उपस्थित हैं कुछ युवा, तो उनसे बात करते हैं क्या मामला है। क्या नाम है सर आपका, क्यों मतलब इकट्ठा हुआ? मेरा नाम विशाल है और हम लोगों ने अभी हाल ही में जो 1.5 से 2 साल से वैक्सीनेशन चल रहा था उसमें हम लोग जॉब कर रहे थे। इसमें हम लोग ANMs हैं, नर्सिंग स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं और कुछ लैब टेक्नीशियन भी हैं। हम लोगों ने 2 साल पूरा, जब तक वैक्सीनेशन चला है आज तक पूरा जी जान से अपना काम किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें 31 तारीख से जॉब से हटाया जा रहा है, उनके हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा रहा है। हम दिल्ली सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाली है लगभग 12 लाख,
तो वो वैकेंसी किस बेस पे निकाली है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हम लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो तो आप उस वैकेंसी पे किनको लाना चाह रहे हो? मतलब क्या आपका इरादा है? हमें आपका इरादा साफ नहीं हो पा रहा है। हमें हमारी जॉब वापस चाहिए। हम 31 तारीख के बाद जो आप 4 दिन का अल्टीमेटम दे के बता रहे हैं हम लोगों को, हम कहाँ जाएंगे? 4 दिन के बाद हम घर बैठेंगे, तो हमें हमारी जॉब वापस चाहिए। क्या क्या कारण बताया सरकार ने? सरकार ने कुछ नहीं, एक बार हमें ईमेल भेज दिया कि कल 31 तारीख से आपका एक्सपायर हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, तो एकदम ऐसा बताया जैसे कि हमें महामारी में इतना डिफिकल्ट काम किया है, जैसे हमारे NO है, NM है, LT हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब ने, तो हमें एकदम ऐसे नहीं हटाना चाहिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़े या फिर हमें कुछ और रोज़गार दिया जाए इसके बारे में बस। दिल्ली सरकार तो कहती है कि 20 लाख लोगों को कुछ नहीं देती, कोई रोजगार नहीं जी हमारे। हम 2 साल से कोविड पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, फर्स्ट वेव से हम लैब टेक्नीशियन हैं, फर्स्ट वेव से हम कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं, और हमें अब नोटिस दे दिया गया है कि 31 तारीख से आपका कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएगा। हम कम्युनिटी में ड्यूटी करी, रोडों पे खड़े हो के हमने कोविड टेस्टिंग की ड्यूटी करी है, और अब हमें गवर्नमेंट कहती है कोई छुट्टी हमें नहीं मिली। आराम आराम से सभी से बात करें, कोई छुट्टी नहीं ली हमने, कोई कुछ नहीं ली हमने, 2 साल सारी वेव में हमने रोडों पे खड़े हो के जनता की सेवा करी। जिस टाइम लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे उस टाइम हम रोड पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे थे। आज गवर्नमेंट हमारे से कह रही है कि 31 के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आप अपने घर बैठो। तो सरकार तो कहती है कि हम युवाओं के भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, कहीं कल भी ये प्रोटेस्ट किया था, ये आपको दिख रहा है? अगर सरकार भ्रष्टाचार ही खत्म करे तो हम रोड पे प्रोटेस्ट करते नहीं दिखेंगे आपको। शुरू में मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट रखा था वो कितनी समय अवधि के लिए रखा था? वो शुरू में 90 दिन का हुआ था जी। फिर उसके बाद में उसके बाद रिलाइज करने वो करने के लिए बोला था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब हमें नोटिस मिल गया कि 31 तारीख के बाद आप सब अपने घर बैठ जाओ। चलिए, और कुछ भी लोग उनसे नहीं, 90 दिन का कंटिन्यू कई बार कराया गया है, ऐसा नहीं है। 2020 से 90 दिन का कंटिन्यू करा गया, उसके बाद में अब इन्होंने कह दिया है कि अब खत्म हो गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ी होता है। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहना वीडियो क्या? सर हम नर्सिंग स्टाफ हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। नाम क्या है आप? काजल शर्मा जी। मैं साउथ वेस्ट जोन से हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 3 दिन पहले ही मैसेज किया है, ऑर्डर डाला है कि अभी ऐसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। कोई रीज़न नहीं दिया हमारे पास इन्होंने, कोई कट सी नहीं दी, बस डायरेक्टली एक मेल डाल दिया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, बस एक्सटेंड नहीं होगा। अब इसके आगे ना वो हमें आंसर दे रहे हैं ना कुछ भी नहीं, बस ये बोला गया है जो केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी थी कि अब वो जाके मतलब जिसने 90 डेज काम किया उसको परमानेंट करेंगे। अरे यार आप परमानेंट नहीं करो, एटलीस्ट हमें जॉब तो दो। इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी सब में स्टाफ की शॉर्टेज है, बट इन और अभी 1 महीने पहले जस्ट 45 डेज पहले इन्होंने एडिशनल वैक्सीनेटर्स नर्सिंग स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट दी है। हर जोन में 15-20 अराउंड बच्चे लिए गए हैं, मतलब 100-200 ज़्यादा बच्चे हो गए, फिर उन्हें क्यों लिया गया जब उन्हें हमें 1 महीने बाद निकालना ही था। हमने पूरे कोरोना टाइम में जितने भी पीरियड्स थे सब में हम लोग आके ड्यूटी कर रहे हैं, 9 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी होती है, उसके बाद भी हमारे टाइमिंग लेट हो जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ, CDOs, डॉक्टर सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक पर्सन ऐसा नहीं था जिसने कोई एफर्ट्स नहीं डाले। एफर्ट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं सर, एफर्ट्स तो छोड़ दिए इन लोगों ने, सिर्फ डायरेक्ट एक फॉर्म और एक मैसेज डाल दिया कि अब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिया हमें। अब आगे जाके हम क्या करें? कहीं भी अप्लाई करेंगे 600 बच्चे, सबको थोड़ी जॉब मिलेगी, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती यहाँ से। चलो ठीक है, यहाँ पर और भी युवा साथी हैं, क्या क्या ये इसमें मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें मतलब किस किस पोस्ट के युवा? LT है, CDO है, ANM है, डॉक्टर हैं, सभी हैं इसमें। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने आउटसोर्सिंग क्या खत्म करी? उन्होंने तो सबकी जॉब ही हटा दी, ये आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं केजरीवाल जी तो जी मैम, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जॉब से हमें हटा दिया गया है, ठीक है। आज हमारा 31st को लास्ट डे है, लास्ट वर्किंग डे है हमारा, और मोदी जी ने हमें पहले बोला था कि 90 डेज जो भी बंदा ड्यूटी करेगा उसको हम लोग परमानेंट या फिर हम उन्हें एक अच्छा वो सम्मानित किया जाएगा। हमें किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे घर चलते रहें, हमें हमारी जॉब दे दीजिए मोदी जी और केजरीवाल जी से, मैं हमारी यही अपील है। हम किसी पार्टी के उसमें नहीं है, हम बस ये चाहते हैं। ज्वाइनिंग आपको किसने, केंद्र सरकार ने दी या राज्य सरकार ने? केंद्र
अब ये नहीं पता हमें कि दिल्ली सरकार ने, लेकिन लेकिन हमें हमें ये पता लगा है कि केंद्रीय सरकार पहले हमें जो वो दे रही थी फंड दे रही थी तो उन हमें सैलरियाँ मिल रही थी। जैसे ही केंद्रीय सरकार ने फंड देने बंद कर दिए, स्टेट ने हमें बाहर निकाल दिया, केजरीवाल जी ने हमें बाहर निकाल दिया है। और हम तो कहते हैं MCD में भी वो ऐसा ही काम करेंगे, अगर MCD में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के बंदे हैं वो लोग उनको ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। वो कह तो रहे हैं बड़े खुश होके कि MCD में चुनाव करवा के देखो छोटी सी पार्टी हरा देगी, कैसे हरा देगी। क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए MCD? एक हालांकि चुनावी मुद्दा है। चुनाव का नहीं कर रहे हैं हम लोग, चुनाव का नहीं कर रहे हैं हम, चुनाव का नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस ये कह रहे हैं कि हमारी नौकरी हमें वापस दे। और भी कुछ मौजूद हैं युवा, उनसे जानेंगे क्या चाहते हैं मैम, क्या क्या मांग कर रहे हैं सरकार। हमारी मांग यही है कि हमारी जॉब को कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरेंडम आया है उसमें ये लिखा है कि 90% फर्स्ट डोजेस कंप्लीट हो गई है, और वी आर द वैक्सीनेटर, वी आर द एग्जीक्यूटर, वी नो द एग्जैक्ट डेटा। ये हमारे CDOs खड़े हैं, इनको पता है कोई 90% डोजेस कंप्लीट नहीं हुई है। इतने सारे हमारे पास फर्स्ट डोजेस आ रहे हैं, 12 से 14 साल का अभी इन्होंने कॉर्बेवैक्स स्टार्ट करा है, उसमें से बहुत कम बच्चों को अभी लगी है। बूस्टर भी स्टार्ट किया, वो भी बहुत कम बच्चों को लगी है, तो किस बेसिस पे? तो देख सकते हैं साथियों आप, ये युवाओं के अंदर बहुत ही आक्रोश है। जिस तरह पर जिस समय जब देश में आपत्ति आई और इन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने और अपनी जान और अपने परिवार को जान जोखिम में डालकर ये सेवाएं अपनी दी, और आज अचानक से सरकार द्वारा इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मैडम क्या लगता है, अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं की तो क्या आगे का प्लान होगा? सर स्ट्राइक कंटिन्यू होगी, प्लान क्या है आगे? हम तो बेरोजगार हो गए, कहाँ बैठेंगे? घर बैठने से अच्छा यहाँ पे बैठेंगे, सड़कों पे बैठेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कोई वायलेंस क्रिएट करने नहीं आए, कुछ नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं मॉडल दिखाते हैं पंजाब में जाकर के देश में और आगे। वो उनका एक बात बताइए, उनका फ्री का मॉडल है, वो कहते हैं फ्री बसों में फ्री महिलाओं को सुविधाएं दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या उनके पास ये 10-5 हजार लोगों के लिए जॉब देने के लिए सैलरी नहीं है? उनके पास पैसा नहीं है क्या? उनके पास फंड नहीं है कि वो इन लोगों को सैलरी दे सके? अगर रोजगार देंगे तो हमें पानी की बिजली की आवश्यकता है नहीं, फ्री में नहीं चाहिए हमें, क्यों चाहिए? हम अपने आप कमा सकते हैं, हमें मेहनत का पैसा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें आप जॉब दीजिए, पैसा हम अपने आप कमा लेंगे। हम आपको बिजली का बिल आपके मुंह पे मारेंगे, हमें बिजली का बिल नहीं फ्री नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए, नहीं पानी चाहिए, नहीं बिजली चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जॉब। इतने हमने इतना काम किया है ना कोविड में, ड्यूटी की है हमने, टेस्टिंग खुद का रिस्क लिया, धूपों में ऐसे खड़े होके PPE किट कोई नहीं पहनता, ऐसे हम लोगों ने पहन के टेस्ट किया है, और उन्होंने बिना एक दिन के 2 दिन पहले नोटिस दे दिया आप घर बैठो, और हमें ही नहीं सबको ही दिया मेडिकल लाइन में, ये गलत है ना। वैक्सीन लगाने वाले CDO है जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सरकार ने तो आपके लिए तालियां और थाली बजवाई, आपका उत्साह वर्धन किया, फूल वर्षा है, बस यही किया उन्होंने, तालियां ही बजवाई है और तालियां बजवाई है, बस वही हम यहाँ पे बजा रहे हैं। हेलो जी, बोलिए सर। मैं हूँ अमित सर, हम कोरोना वॉरियर में आते हैं, फ्रंटलाइन ऑफिसर बोले जाते हैं, और हमने पूरी दिल्ली में वैक्सीन भी लगाई है। हमारे साथ अभी LNJP से भी ये लैब टेक्नीशियन भी हैं, हाँ ठीक है, और हम CDO भी हैं जो जिन्होंने कंप्यूटर काम के एंट्री की है वैक्सीनेशन के साथ। सर हमारा एक ही बस छोट है कि हर हमें जो कॉन्टैक्ट पे रखा गया था हमें निकाला जा रहा है, वहाँ से निकालने जाने से पहले एक बार गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, जो हमें अभी इस महामारी में इसने साथ दिया है उसको कहीं हम डिसॉल्व करें, हमें कोई नौकरी दी जाए, उनको फ्रंट लाइन में रखा जाए, जो हमारा 9 महीने एक्सपीरियंस हमने लिया अपनी नौकरी से उसका एक्सपीरियंस का फायदा उठाया जाए गवर्नमेंट ने। अब क्या करेंगे, नया रिक्वायरमेंट निकाल देंगे और फ्रेशर को रख लेंगे जिनको कुछ आता नहीं है, मान रहे ना मेरी बात, जिसने महामारी में उनका टाइम अपनी दिल्ली को टाइम दिया बचाया हर चीज़ का उन्होंने किया, जो जिस टाइम पे आदमी घर से बाहर निकलने में डर रहा था, जिस टाइम कोई आदमी मर रहे थे उस टाइम पे हमने उनका हाथ पकड़ा है, जिस टाइम आदमी मर रहे थे उस टाइम उनका हाथ पकड़ा हमने कोरोना में, हम डरे नहीं हैं, हम घर से बाहर निकल के आगे आए हैं, ठीक है। ये चीज़ें सरकार को नहीं दिखनी, हमें एक मिनट में बोल दिया जाओ अपने घर पे, अब दिन रात तो छोड़ो सर, सर कम से कम हमें कहीं तो इतने लगातार 24 घंटे की ड्यूटी की मैंने, मैं लेडी हार्डिंग से स्टाफ थी, पहले मुझे वैक्सीनेशन में डिप्यूट कर दिया, फिर लेडी हार्डिंग में मुझे नाइट ड्यूटी के लिए भेजा, मेरे 24 आवर्स इधर 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 करने में ही निकल गए, फिर भी हमें यह लगा कि चलो सिंपथी थी, सॉफ्ट हार्ट था कि चलो पेशेंट की केयर हम करेंगे, हमें उसके एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़ी मिल रहे थे, वो तो हमारे अपने अंदर से था ना,
बट अभी डायरेक्ट मैसेज आया है कि हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। ये मैसेज आया है मतलब किस डिपार्टमेंट आया है? मतलब DIO से रिलीज हुआ है, दिल्ली वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर से, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से ही। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ में एक छलावा है, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। मैम क्या कहना चाहोगे? यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे हर तरह का स्टाफ है। नर्सिंग में पोस्ट ANM की थी, सारे स्टाफ है यहाँ पे और सारे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हैं। अभी बोला केजरीवाल ने बजट पास हुआ उसमें बोला 20 लाख जॉब्स निकालेंगे विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है? तो उसमें और मोदी ने बोला था 3 महीने में हम इन जो भी 100 दिन काम करेगा उनको प्रायोरिटी देंगे, कि जो भी परमानेंट जॉब्स निकलेंगी आगे उनको प्रायोरिटी देंगे। तो हमें अब प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही? डायरेक्ट हमें ये मेमोरेंडम दे दिया विदाउट प्रायर इंटीमेशन कि 2 दिन बाद आपको घर बैठना है। कम से कम 1 महीना चाहिए किसी को भी अपनी नई जॉब ढूंढने के लिए। और अब प्रायोरिटी दो ना फिर, ये क्यों? ये इन्होंने ये बोला था कि 800 से ज्यादा बंदे हैं यहाँ पे, मेडिकल स्टाफ, CDO, सबको थोड़ी जॉब मिल सकती है। तो मतलब मान लो 200 लोगों को, तो 600 लोग तो बेरोजगार हो गए ना, कहाँ से आएगा? कहाँ से इतना आएगा ना? सबके परिवार हैं, सब लोग हैं। कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेरोजगार हो जाएंगे, CDVs होते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो भीड़ को मैनेज करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, इतनी सारी नर्सेज है वो बेरोजगार हो जाएंगे, इतने सारे डॉक्टर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बेटर तो यही है कि कौन सा हॉस्पिटल यहाँ पे नीड नहीं है, हर जगह नर्सिंग स्टाफ की नीड है, हर जगह शॉर्टेज है मेडिकल स्टाफ की। मैम यही तो सरकार की पॉलिसी है, केवल तरसा तरसा के इतना मजबूर कर रहे हैं केवल आप जीवित रह सके। जीवित हमने एक एक दिन में 500-500 लोगों को वैक्सीनेट करा है, ऐसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं पहुंचा था 21 अक्टूबर को। इतनी मेहनत, सुबह 8:30 बजे से बैठ के 7:30 बजे तक रात को बैठ के वैक्सीनेट करा, बिना खाना खाए सुबह से शाम तक बैठे हम नालों पे बैठ के, नाल शमशान घाट के बगल में साइड बनती थी, कैन यू इमेजिन, वहाँ पे भी बैठे हम वैक्सीन लगाने के लिए। लोगों के घर भी गए, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल के आ सकते वैक्सीन के लिए, उनके घर घर जाके हमने वैक्सीन लगाई। क्या उम्मीद है क्या सरकार से? कुछ आप सरकार ने आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की? कोई संपर्क नहीं किया, हम पिछले संडे से घूम रहे हैं, 5 दिन से घूम रहे हैं, ऑफ हाउस के बाहर गए थे, कोई इंटीमेशन नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे हम सुबह से आके शाम तक भूखे पेट बैठ के जाते हैं, सामने दिल्ली सेक्रेटेरिएट है, कोई इंटीमेशन नहीं दे रहा। कल यहाँ से वर्बल मैसेज आया है कि देखेंगे 15 दिन में, देखना क्या होता है 15 दिन का, 15 और कोई वॉशरूम के लिए मना कर दिया था दिल्ली सेक्रेटरी वालों ने, वॉशरूम के लिए मना कर दिया। कल जब इनकी वीडियोस बनाई, इनको बोला, तब इन्होंने हमें अंदर जाने दिया, वो भी वॉशरूम के लिए। मतलब ऐसा हमें कुछ समझ ही नहीं रहे, इन्हें लग रहा है कि कोविड वॉरियर्स पे चलो हो गया, कोविड खत्म, वॉरियर्स खत्म। तो लास्ट वी आर लाइक जीरो, हमारी लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? खत्म नहीं हुई है, लास्ट में यही कहना चाहते हैं यार, सबको रोजगार दो, ठीक है? वी आर एक्सपीरियंस स्टाफ, हमने बहुत बहुत मेहनत करी है, उस हमने घर से बाहर रह के लोगों को केयर दी है। सर आप एक बात यार, जॉब मिली है, ठीक है साथियों? तो ये थे मतलब दिल्ली सचिवालय के सामने जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया तमाम जब देश में। ये सारे एक्सपीरियंस स्टाफ हैं, सबने इतने महीने काम करा है, तो नए स्टाफ को रखने से बेटर है कि इनको आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल या कहीं पे भी इनको वहाँ पे लगाया जाए। बहुत सी फैसिलिटी है, निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए इन युवाओं के भविष्य के बारे में, सोचना चाहिए जिस प्रकार से इन साथियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी देश में सेवाएं दी जब देश में आपातकालीन स्थिति थी। तो साथियों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।